दिल्ली मॉडल की तर्ज पर विकास का एजेंडा सेट कर पंजाब जैसे राज्य में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब एमपी में भी तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप को तैयार कर मिशन 2023 में जुट गई है। जिला स्तर पर संकल्प यात्रा और परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराने के बाद अब विधानसभा स्तर पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। दिनेश रघुवंशी लोकसभा प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा शिवपुरी में 21 जुलाई को होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। उन्होंने आगे बताया कि परिवर्तन रैली का कार्यक्रम गुना अशोक नगर में बड़े जोर शोर के साथ संपन्न हुआ। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संजय कटी और पटिंगल भैया। आम आदमी पार्टी से आप किस पद पे नियुक्त हैं? आम आदमी पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष एससी। आज आपकी शिवपुरी से काफिला जा रहा, कितने लोग और कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं? शिवपुरी से गाड़ी जा रही है करीबन 20 से 22 गाड़ी जा रही है मेरी जी, और शिवपुरी जिले से तहसील से भी जा रही है कुछ गाड़ी, और कई और कहाँ कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? शिवपुरी से भी जा रही है गाड़ी, अशोकनगर से भी आ रही है गाड़ी, सोपुर से भी आ रही है, और आसपास के जो तहसील हैं। गुना में जो आपके वो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के नाम से अमन कलसी जी आ रहे हैं हमारे पंजाब से। कितने बजे आपको पहुँचना, कितने बजे सभा है वहाँ पर? हमारा करीबन 4 से 4:30 बजे तक का टाइम है, वहाँ पे एकत्रित होना है। और क्या मुख्य उद्देश्य, क्या कुछ कहोगे आप उनको? सर, हमें हमारे प्रदेश के अंदर हमारा मुख्य, हमारी पार्टी का और हमारे नेता का मुख्य उद्देश्य है एक शिक्षा, दूसरा हमारे जो अस्पतालों की व्यवस्था सही रूप से बिल्कुल सुचारू रूप से, हमारी अगर मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरे मध्य प्रदेश, जैसा कि हमने दिल्ली और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हम इन क्लिनिकों का काम मध्य प्रदेश में ही बनाने का करेंगे, और नल लाइट और बिजली का बिल बिल्कुल हम फ्री करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं दिनेश रघुवंशी लोकसभा प्रभारी गुना शिवपुरी। आज हमारा परिवर्तन यात्रा के नाम से एक कार्यक्रम था, 21 तारीख को शिवपुरी में होना था, शिवपुरी की कुछ कारण होने के कारण आज अशोक नगर और गुना में परिवर्तन यात्रा। अशोक नगर में 12:30 बजे से कार्यक्रम किया, 3 बजे तक निरंतर चलता रहा। 3 बजे के बाद यहाँ आए, यहाँ पे भी कार्यक्रम अच्छा हुआ, परंतु हमारे माननीय विधायक श्री अमन शेर सिंह जी कलसी जी और पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी, अचानक से सीएम साहब का फोन आने के कारण कोई अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए कलसी जी माननीय विधायक पंजाब यहाँ से अचानक चले गए हैं। इसलिए कितने लोगों की संख्या में आदमी यहाँ पर था? यहाँ पर लगभग 70-80 के आसपास थे, अशोक नगर में 150 और 200 के बीच में थे। इसलिए आपके गुना जिले में कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर गुना में उपस्थित थे? गुना और बमोरी विधानसभा, दोनों विधानसभाओं से आदमी आए हुए थे जी, और निरंतर हमारा कुनबा बढ़ रहा है। क्योंकि समय कम था इसलिए जनता कुछ कम हो पाई, यदि 1-2 दिन पहले ये कार्यक्रम होता तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता, लगभग हमारा लक्ष्य था 2500 व्यक्तियों का। शिवपुरी से कितने व्यक्ति, कितने काफिले से आए थे? शिवपुरी से लगभग 15 और 20 के आसपास आए हुए हैं, जो हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, हमने नजर दी है। शिवपुरी के माननीय जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं, दानिश भाई भी आए हुए हैं, जिला उपाध्यक्ष कुलेंद्र जैन साहब आए हुए हैं, बोलू दाता वीरेंद्र रावत, वेद प्रताप जी और अनूप गोयल जी भी आए हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। कार्यक्रम अच्छा था और भव्य रहा। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या झाड़ू चलेगी, बीजेपी की सरकार गिरेगी या कांग्रेस की सरकार गिरेगी या सरकार निश्चित ही मध्य प्रदेश में झाड़ू चलेगी नहीं, दौड़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से दौड़ेगी। मध्य प्रदेश में परिवर्तन मांग रहे हैं, आम जनता बैठी हुई है कि हमें भ्रष्ट और बेईमानों से लड़ते लड़ते 75 वर्ष हो गए, अब कोई ईमानदार और सच पार्टी आए, इसलिए लोग बात केजरीवाल जी की झाड़ू को पसंद कर रहे हैं। देखना आप 2023 में जब चुनाव होंगे तब झाड़ू की बाहर देखना, ये हमारा लक्ष्य है, हम सरकार बनाएंगे और बन रही है। भारत में ऐसा केस आया मणिपुर का जो 3 महिलाओं को नंद अवस्था में घुमाया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है?
हम ऐसे कृत्यों की घोर निंदा करते हैं। अपराधी कोई भी हो उसे कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि उनको स्पॉट पर ही सजा दे दी जाए। इसमें मोदी सरकार ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया, सिर्फ गिरफ्तारी कर ली। चूंकि उनको क्या था, फांसी देनी थी, गिरफ्तारी से क्या होता है? चूंकि मोदी जी तो दूसरों की सरकारों में बुराइयां देखते हैं, मणिपुर में खुद की सरकार है, इसलिए उन्होंने 3 महीने तक बचाया है। मोदी जी जब बोले हैं तब उनके ऊपर विपक्ष हावी होने लगा, हम सब हावी होने लगे। मोदी जी नहीं चाहते थे कि ऐसे कार्य के लिए हमारी सरकार बदनाम हो, परंतु इन्होंने काम किया है उसके लिए कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। जैन समाज की मुनि जी की जो हत्या हुई उसमें आपने क्या कहते हैं? जैन समाज के जो मुनि जी की हत्या हुई है वो भी घोर निंदनीय है। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल फांसी देना चाहिए। हम ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं और हम जैन समाज के साथ में जहाँ जरूरत पड़ेगी खड़े दिखेंगे। और ये जिला मतलब उनका आता है ज्योतिराज सिंधिया का, क्या टक्कर मिलेगी? ज्योतिराज सिंधिया महाराज और राजा दिग्विजय सिंह का यहाँ अब कुछ नहीं है, जनता जान चुकी है। ये झूठे आश्वासन देते हैं, इनका कोई जादू नहीं चलने वाला। जादू एक बार दिग्विजय सिंह का भी फैल हुआ और ज्योतिराज सिंधिया का भी फैल हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।